क्या अपडेट है और क्या स्थिति है प्रदर्शन के बाद, ये डीआरएम से जानते हैं। आज क्या प्रदर्शन या हिंसा की खबरें आई हैं अभी तक रेलवे के पास? नहीं, इनपुट दो जगह लोग गए, मैंने इनपुट तो था कि यहाँ होंगे, बट उस हिसाब से लोग नहीं आए हैं, प्रदर्शनकारी नहीं मिले हमें। और एक दो स्टेशनों पे खबर आई थी कि कुछ लोग मूव कर रहे हैं उस तरफ हो, लेकिन फाइनली वो डिस्पर्स हो गए हैं। तो कहीं कोई ट्रैक पे कोई ब्लॉकेज अभी नहीं है। कल के लिए कुछ इनपुट्स हैं तो हम लोग उसका रिव्यू कर रहे हैं उसको। कल भारत बंद का आह्वान किया, भारत बंद का भी, और कुछ कहीं कहीं धरना की प्रदर्शन की इनपुट्स भी हमको मिले हैं वहाँ। सर करते हैं उस पर हम लोग। एक सवाल है सर, जो ट्रेनें कैंसिल्ड हैं वो यात्री स्टेशन पर बैठे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई सुविधा मुहैया कराई गई? ऐसा है कि ट्रेन हमने जो ओरिजिनेटिंग है वो कैंसिल किया है, पर जो ट्रेनें बाहर से आ रही हैं, दूसरे जोन से चल के आ रही हैं, उन ट्रेनों में उनको बैठा के हम उस जगह से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे अधिकारी यहाँ लगे हैं पटना जंक्शन पे, या जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग अप्रोच करते हैं हमारे ऑफिस को, डिप्टी ऑफिस को, उनको हम उस डायरेक्शन की ट्रेन बैठाने की कोशिश करते हैं उनको। कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये कब तक बनी रहेगी, और ट्रेनें कैंसिल होने की कितने दिनों तक संभावना है ताकि यात्री परेशान? यात्रियों की परेशानी बहुत हो रही है, हम लोग इससे बिल्कुल अवगत हैं, लेकिन जब तक हमको एश्योरेंस नहीं हो कि ट्रेन सेफ रहेगा, फायर नहीं होंगे ट्रेन में, हमारे लिए थोड़ी समस्या है, उसको कैसे डिसाइड करें उसको। तो वी आर इन कंस्टेंट टच विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स, लेट अस सी।